नमस्ते भारत, देख रहे हैं आप और अब बात आपसे जुड़ी हुई। क्या कोवैक्सीन लगवाने वालों को अमेरिका में एंट्री मिलेगी? इस सवाल के जवाब का इंतजार बेसब्री से लोगों को था और खास तौर से उनको जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ले ली है, मगर अब ये इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। भारत में बनी कोवैक्सीन को WHO की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कोवैक्सीन लगवाने वालों को अमेरिका में एंट्री मिलेगी या नहीं, ये सवाल अब भी बना हुआ है। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर WHO की बैठक हुई, जिसमें कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने वाली टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने आखिरी फैसला लेने से पहले भारत बायोटेक से और जानकारियां मांगी है। आगे कुछ भी बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कितनी असरदार है। कोवैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में कोरोना के सामान्य मामलों में से 77.8% और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर 65.2% असरदार पाई गई है। भारत में प्रमुखता से दो ही वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इस साल जनवरी से लेकर अगस्त तक कोवैक्सीन की 2,30,79,293 डोज लोगों को लगी, जबकि कोविशील्ड की 16,31,52,885 डोज लगी थी। 3 नवंबर तक भारत बायोटेक को कोवैक्सीन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी WHO को देनी है। देखना होगा कि क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाने वालों को अमेरिका में एंट्री मिलेगी या नहीं। ABP News, आपको रखे आगे।